टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज बलिया दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बलिया दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। रसड़ा के मथुरा में करेंगे जनता को संबोधित, जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बलिया दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर, जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बलिया दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर, जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बलिया दौरे पर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर, जनता को संबोधित भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा स्वतंत्र देव का हेलीकॉप्टर, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बलिया दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर। चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी दौरे कर रहे हैं, और बलिया दौरे पर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, और इन उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध सकते हैं। बलिया दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, रसड़ा के मथुरा पीजी कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम के आगमन से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। सीएम के आगमन से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट। बलरामपुर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। पीएम के आगमन से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। सीएम के आगमन से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट। बलरामपुर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे, पीएम के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चार जुआरियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर बाग में हुई छापेमारी, मौके पर ताश समेत नकदी हुई बरामद। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चार जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर बाग में हुई छापेमारी, मौके पर ताश समेत नकदी हुई बरामद। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चार जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, किस तरह से पुलिस की नजरों से छुपके ये जुए का खेल चल रहा था, और कैसे इन अपराधियों को पकड़ा गया है, आरोपियों को? देखिए, मामला ये फतेहपुर जनपद के जो है सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत का है, जहाँ पर काफी दिनों से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था कि यहाँ जुए की फड़े संचालित होती हैं। उसी के तहत पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक बाग में छापा मार करके चार जुआरियों को पकड़ा है। ताश के 52 पत्ते हैं, 900 जमा राशि है, और इसके बाद जो है 3200 रुपए भी पकड़े गए हैं। और इस मामले को लेकर के एक तरीके से पुलिस की सफलता देखी जा रही है कि आखिरकार इस तरीके से अगर फड़े संचालित होंगे, अगर छापेमारी की जाएगी तो जुआरी पकड़े जाएंगे, तो जुआरियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। जी, तो इन जुआरियों पर अब किस तरीके से कार्यवाही करेगी पुलिस? देखिए, जुआरियों में तो एक धारा लगती है, 13G एक्ट की धारा लगती है, जिसके तहत जो है
इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जेल भेजा जा सके, पर हाँ ये है कि निजी मुचलके पे मुकदमा तो पंजीकृत हो चुका है, पर निजी मुचलके पे ये छोड़े जाते हैं ऐसी कानून की धारा में है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता हरदीप जुड़े थे। नहीं रहे सीडीएस जनरल विपिन रावत, हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत का निधन। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी का भी हुआ निधन। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 अधिकारियों का हुआ निधन। कन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। हादसे पर दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री। कल जनरल रावत का हुआ था निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। नहीं रहे सीडीएस जनरल विपिन रावत, हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत का निधन। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 अधिकारियों का भी हुआ निधन। कन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। हादसे पर दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।